जो डिजाइन देनी है उसी डिजाइन को देखते हुए। मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। मैं शुभम अयोध्या उत्तर प्रदेश से, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी फाइनली हम हैं जो फैजाबाद का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस जगह पे। और यहाँ से आप देखें तो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साइड लेफ्ट साइड पे काम अभी वगैरह कुछ, जो राम पथ का निर्माण है उससे रिलेटेड अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर राइट साइड पर वही आप देखेंगे तो जो सीवर वगैरह का काम बनना था उसका काम शुरू है राइट साइड पे। और वेरीगेटिंग वगैरह आपको पूरे राइट साइड पे देखने को मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा पेड़ पुराने हुआ करते थे, वो पुराने पेड़ वगैरह भी तोड़े गए हैं। बाकी इस एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी शॉपें देखने को मिलेंगी, तो बड़ी शॉपों को भी अगर चौड़ीकरण के अंतर्गत उनकी बाउंड्री या उनकी दीवारें आ रही हैं तो उनको भी तोड़ के और चौड़ीकरण किया जा रहा इधर राम पथ का। और यहाँ से मैं आपको शहादतगंज पूरा बताऊँगा कि शहादतगंज तक अभी राम पथ का कार्य कितना कंप्लीट हुआ है और अभी शहादतगंज तक क्या क्या अपडेट्स हैं। बाकी रोड के बीच में ये हनुमान जी का मंदिर भी आएगा तो इसको भी अभी हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। हनुमान जी के मंदिर भी रास्ते से हटाई जाएगी जिससे रास्ता पूरा चौड़ीकरण हो सके। और यहाँ से आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा राइट साइड पर आपको सामान बिखरा हुआ मिलेगा राम पथ से रिलेटेड। वेरीगेटिंग तो आपको पूरे रोड पे देखने को मिलेगी कि राम पथ कार प्रगति पर है। अभी यहाँ पे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि जो रोड का चौड़ीकरण है वो अभी यहाँ पे मार्किंग वगैरह भी नहीं लगी है साने अवध वगैरह का। और ये तिरुपति जो होटल वगैरह हैं ये टूटेंगे या इनकी बाउंड्री रोड से हट के ही है। बाकी चौड़ीकरण तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जितने भी इधर की बड़ी बिल्डिंगें हैं वो नहीं टूटेंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है रोड के और दुकानों के बीच में। तो अगर चौड़ीकरण और सीवर का काम होगा तो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी दुकानों तक का, जिस वजह से वो बचे गए। बाकी इधर आप देखेंगे जो बस अड्डे के साइड की एरिया है, फैजाबाद अयोध्या जो बस अड्डा पुराना वाला है, अभी तो फाइनली एक न्यू बस अड्डा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल तक बसें जाएंगी वहाँ से, वो बस अड्डा हाईवे पे बना हुआ है लेकिन अभी पूरी तरीके से वो ओपन नहीं है। अभी कुछ ही गाड़ियाँ वहाँ पे जाती हैं लेकिन जो पुराना अंदर की तरफ जो बस अड्डा था, जो हमेशा जहाँ पे गाड़ी आपको कहीं भी जाना हो यहाँ से मिलती थी, ये बस अड्डा यहाँ पे, और इधर रैन बसेरा वगैरह भी बनाया गया है। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये बस से पूरी लगी हुई यहाँ आपको मिलेंगी, कहीं भी आपको सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर कहीं भी जाना हो तो आपको इधर ही पूरी बसें अभी मिलेंगी, अभी उस जगह पे नहीं मिलेंगी। और इधर ही सर्किट हाउस बना हुआ है और यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा टूटने का काम चल रहा है बिल्डिंग। इधर अभी पूरा चौड़ीकरण का काम पूरी तरीके से नहीं शुरू हुआ था बस अड्डे के एरिया में, तो उसको देखते हुए अभी जिस दिन जैसे बंदी वगैरह रहती है, भीड़ वगैरह कम रहता है, उस दिन काम काफ़ी तेज़ी से इस एरिया में चलाया जाता है जिससे जाम ना लगने पाए और भीड़ कम लगे। तो यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि जो राइट साइड पे हैं उधर ही निर्माण अभी हो रहे हैं, लेफ्ट वैसे ही पूरा पड़ा हुआ है। राइट इधर कंप्लीट हो जाने के बाद लेफ्ट पूरा निर्माण फिर शुरू होगा। और ये राम पथ पे सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड हमें यही लगता है कि जब भी मैं इस रूट से आता हूँ तो ज़्यादातर जो ये कोतवाली है, ये जो कचहरी है, ये इतनी बाइकें इतनी फोर व्हीलर यहाँ खड़ी होती हैं क्योंकि रोड के बीच तक आ जाती हैं बाइकें वगैरह। देखेंगे तो आप ये इतनी बाइकें खड़ी हैं कि रोड के बीच पूरा राम पथ का अगर काम देखा जाए तो इस एरिया में जब काम होगा तो कितना ज़्यादा जाम लगेगा और कितना भीड़ होगी। और इन सब को कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तभी जाके इधर काम शुरू हो पाएगा। अभी भी आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा भीड़ होती है इधर, और जब इधर काम शुरू होगा तो कितना ज़्यादा भीड़ होगी और काफ़ी दूर तक लमसम खड़ी होती होंगी, दसों हज़ार बाइक से कम नहीं खड़ी होती होगी यहाँ पे डेली, इतने भीड़ इतने बाइकें डेली यहाँ पे जाम। तो गवर्नमेंट को सर्वप्रथम यहाँ पे देखना चाहिए कि जो जाम वगैरह इधर लगता है उसको देखते हुए, ये देखेंगे रोड पे चढ़ा चढ़ा के बाइकें पार्क। गाइस
बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ कचहरी के आगे ही से काम शुरू है, लेकिन बस अड्डे और कचहरी के बीच में अभी रामपथ का कोई भी कार्य शुरू नहीं है। और बाकी जैसे ही कचहरी क्रॉस करेंगे तैसे ही आपको रामपथ से जुड़े हुए कार्य अपडेट देखने को मिलेंगे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे तो देखेंगे आप तो मिट्टी वगैरह पड़ी है जो चौड़ीकरण इधर हो रहा है उसको देखते हुए, और बाकी जहाँ कहीं ज़्यादा कहीं कम है तो ये जैसे भी पूरी तरीके से उसको यहाँ से लाद के ले जाया जा रहा है। बाकी ये जो हनुमान मंदिर है ये भी रामपथ के चौड़ीकरण के अंतर्गत इसकी भी बाउंड्री आ रही है, तो इसको भी हटाया जाएगा बाउंड्री। और यहाँ से आप देखेंगे तो काम आपको इधर काफ़ी ज़्यादा शहादतगंज साइड देखने को मिलेगा। इधर ये राइट साइड जैसे अयोध्या उदया गेट के साइड अभी रोड को एक लेयर निकाला गया था फिर निर्माण किया गया था, वैसे राइट साइड एक लेयर निकाली जा रही है, उसके बाद से ही निर्माण शुरू होगा। और बाकी लेफ्ट साइड में तो सीवर का कार्य शुरू है, ये पूरा देखेंगे तो आप जो गिट्टी वगैरह बिछी हुई दिख ही रही है। तो जहाँ सीवर का भी काम कंप्लीट हो गया है वहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल के रोड का जो चौड़ीकरण का कार्य है वो देखा जा रहा है। और बाकी जहाँ अभी राम पथ में सीवर का काम चल रहा है वहाँ पे तो फाइनली अभी बस आपको मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देंगे। तो इस जगह पे आप शहादतगंज साइड में आप देखेंगे तो लेफ़्ट वाला तो फाइनली अभी पूरा इधर कंप्लीट ही दिख रहा है। और बाकी राइट साइड पे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी गाड़ियों का आवागमन। और इधर शहादतगंज में एक चीज़ मैंने देखा कि इस एरिया में बहुत कमी बिल्डिंगें ऐसी थी जो रोड के चौड़ीकरण के अंतर्गत तोड़ी गई हों, बाकी ज़्यादातर जो बिल्डिंगें हैं वो रोड तक आई ही नहीं है चौड़ीकरण में। और ये जो जाम लगता है रामपथ निर्माण तक ये आप देखेंगे कितना ज़्यादा जाम लगेगा इस रोड पे, क्योंकि जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसी वजह से ये काफ़ी दूर तक जाम लगा हुआ है। तो ऐसे ही पूरे रामपथ पे आपको जाम का सामना करना पड़ेगा, जहाँ भी आप देखेंगे तो जाम ही जाम आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखेंगे तो आप जाम इस वजह से लगता है कि जो निर्माण हो रहा है निर्माण के जो यंत्र हैं जैसे कि सीवर बनना है तो ये मिलाने वाली जो मशीन है ये बीच रास्ते पे खड़ी है इसी वजह से। और बाकी स्कूल के बच्चों की अभी छुट्टी हुई है तो इस वजह से काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगा। और इधर सभी देखेंगे तो ये जो पाइप वगैरह गिरा है इसको भी पूरा अंदर डाला जाएगा, बाकी ये पूरी बैरिगेटिंग करके जो यहाँ सीवर बनना है वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इधर चौड़ीकरण रोड आपको देखने मिलेगा। तो अच्छा है कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये आप देखेंगे शहादतगंज जैसे पूरा एरिया पहुंचेंगे आप तो एक जो जामा मस्जिद करके मज़ार था वो भी तोड़ा जाना है। अभी इधर पूरा शहादतगंज आपको ये देखने में मिलेगा, पूरी जो बिल्डिंग इधर है ये काफ़ी ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगी कि इधर रोड का जो चौड़ीकरण है उसका काम शुरू हो चुका है, बाकी मिट्टी वगैरह डाल के बालू वगैरह डाल के पूरा इसको चौड़ाकरण करना है यहाँ पे देखेंगे तो आप। और यहाँ पे शहादतगंज में आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी क्योंकि एक ही रूट इस समय चल रही है और चौड़ीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है इस वजह से। तो ये पूरा देखेंगे तो इधर बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं इसी वजह से इधर काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है। और अभी दोपहर का टाइम हुआ है तो जिससे स्कूल की छुट्टी वगैरह भी हो जाती है तब भी आपको जाम देखने को मिलेगा क्योंकि उस टाइम भीड़ होती है। और ये पूरा शहादतगंज
कुछ ही बसें हैं जो अंदर जाती हैं, बाकी ज़्यादातर बसों को बाहर से घुमा दिया जाता है इसी रामपथ निर्माण कार्य की वजह से, कि जाम वगैरह जो लग रहे हैं उसको देखते हुए। यहाँ से तो फाइनली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अयोध्या से डेवलपमेंट की ढेर सारी वीडियो आपको देखने मिले। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय श्री राम।